नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि चल रहा है हम लोगों का फोटोशॉप सीसी का एडवांस सीरीज, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वाइब्रेशन और ह्यू सेचुरेशन ऑप्शंस के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी ड्रेस के कलर को बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो ड्रेस का कलर हो, चाहे कोई सा भी कलर हो, किसी भी प्रकार के कलर को हम बहुत ही आसानी से ह्यू सेचुरेशन को यूज करके हम चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले अगले वीडियोज में मैं कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की सीरीज को लेकर के आने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग हर सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे और हर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको किसी भी सेंटर से या किसी भी कंप्यूटर सेंटर से कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे बिल्कुल कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में जान सकेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ये कैसे संभव है। चलते हैं हम लोग फोटोशॉप पे। तो यहां पर इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम कोई कलरफुल इमेज ओपन करते हैं, उसके बाद से हम इसको समझेंगे, वन बाय वन करके थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो कोई सा भी कलर को चेंज करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। कोई सा भी कलर आप बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इमेज ओपन करते हैं, जिस पर हम इसे देखेंगे। मान लीजिए ये है मल्टी कलर है, हम इस पर चेक करते हैं कि इसके सभी कलर को हम कैसे यूज कर पाएंगे और कैसे हम जो है ह्यू सेचुरेशन को यूज कर पाएंगे। ह्यू सेचुरेशन ऑप्शंस जो है आपको मिलेगा इमेज में, एडजस्टमेंट में, और यहां पर आकर के ये वाइब्रेंस मिलेगा, इसको भी हम इसी वीडियो में समझेंगे और ह्यू सेचुरेशन को हम समझेंगे, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। तो पहले हम ह्यू सेचुरेशन को समझ लेते हैं, इसको समझ लेंगे तो वाइब्रेशन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वाइब्रेशन एक्चुअली इसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम इसको पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। तो ये जो है कलर को इफेक्ट डालता है ह्यू। ह्यू का मतलब पहले समझते हैं, ह्यू का एक्चुअली हिंदी अर्थ होता है रंग। ह्यू मीन्स रंग ही होता है, यानी कि रंग को चेंज करने के लिए, यानी कि वही ह्यू को जब चेंज करेंगे तो वो रंग चेंज होगा। और यहाँ पर सेचुरेशन यानी कि कलर को कितना कम ज्यादा करना है वो चीजें, यानी कि कितना डार्क और लाइट करना है, और लाइटनेस उसमें कितना डार्क और लाइट करना है, यानी ब्राइटनेस वगैरह को मेंटेन करना है कितना, वो चीजें ये तीनों ऑप्शंस को यूज करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो है इसके अंदर प्रीसेट मिलता है, आप प्रीसेट को यूज करके कुछ ऑप्शंस जो पहले से ऑलरेडी फोटोशॉप में बने हुए हैं आप उसको यूज करके देख सकते हैं। तो पहले हम प्रीसेट्स को देखते हैं। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे वन बाय वन करके, तो इस टाइप से अलग 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 इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन आपको सही लगता है तो आप उसको यूज करके इस तरीके का कर सकते हैं। जैसे ओल्ड स्टाइल, ये पहले के स्टाइल में क्या होता था कि कलर्स जितने भी होते थे प्रिंट करने के बाद वो हल्का सा फीका फीका और ब्राइटनेस ज्यादा होता था, क्योंकि हमारे कलर्स जो हुआ करते थे वो बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे, तो उसको बचाने की वजह से इस टाइप के फोटो को प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब जब से टैंक प्रिंटर्स वगैरह आ गए हैं तो कलर्स काफी सस्ते हो गए हैं, प्रिंट कलर छोड़ता भी नहीं है, इसलिए हम डार्क भी इमेज को प्रिंट कर पाते हैं बिल्कुल इजीली। तो इस तरीके से आप जो है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे सीपीआ में करना चाहते हैं तो सीपीआ में इस तरीके का स्ट्रांग कलर है ये, स्ट्रांग सेचुरेशन, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रीसेट आपको समझ में नहीं आता या आपको सही नहीं लगता तो आप यहां से बाय डिफॉल्ट पे आ जाएं और अपने हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो जस्ट अभी जो है मास्टर कलर पर है, हम मास्टर पर ही रहने देते हैं और आगे समझते हैं। तो जैसे अगर पूरे कलर को मास्टर पर रखते हुए जब आप यहां से ह्यू को चेंज करेंगे, यानी कलर को चेंज करेंगे, तो ये पूरे इमेज पर इफेक्ट डालेगा। इस तरीके से जब आप इस तरफ लेकर के जाएंगे तो आप देख सकते हैं सभी जो क्लॉथ का कलर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल से अलग हो चुका है। आप इस तरफ से लेकर के आएंगे तो इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेचुरेशन को जब आप घटाएंगे तो इस तरीके से कलर गायब हो जाएगा, और आप बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल डार्क होता चला जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार से आप यहां से लाइटनेस को कम ज्यादा करके देख सकते हैं, और यहां से ब्राइटनेस बिल्कुल फुल हो जाएगा, तो इसको नॉर्मल रख करके आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कोई भी किसी भी एक कलर को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या तरीका अपनाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका आप यहां पर देख सकते हैं, जो ये हैंड टूल है, ये क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो क्लिक करने के बाद
आप जिस भी कलर को चेंज करना चाहते हैं वहां पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करके रखे हुए हैं उसको छोड़े नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं वही हैंड टूल आ चुका है जो आपने अभी भी क्लिक किया उस ऑप्शन से, और उसके लेफ्ट राइट में एरो आया हुआ है। तो जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सेचुरेशन कम होगा, तो आप ये सेचुरेशन को यहां से डायरेक्टली कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। किसी और कलर पे करना है तो ये उसी कलर पर काम करेगा। मान लीजिए रेड पे करना है तो ये देख सकते हैं सिर्फ ये रेड पर पकड़ रहा है, पूरे इमेज में जहां जहां तक रेड मिल रहा है रेड का सेचुरेशन ये चेंज कर रहा है। मान लीजिए ग्रीन का करना है तो हमने ग्रीन पर क्रिया किया और वो परसेंटेज ग्रीन का ले लिया और हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ग्रीन जहां जहां मिलेगा वहां पर ये इफेक्ट डालेगा। तो इस तरीके से आप ये हैंड टूल का इस्तेमाल करके और आप सेचुरेशन को बिल्कुल शॉर्टकट की ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इस तरीके से सेचुरेशन को कम ज्यादा करके देख सकते हैं। और एक चीज देखेंगे, जैसे ही आप यहां पर ड्रॉप पे जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वहां का कलर और परसेंटेज वो यहां पर ले ले रहा है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के कलर में जहां तक मिलेगा वो उसको चेंज करेगा। आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कम करना चाहें तो आप यहां से कम कर सकते हैं कि परसेंटेज ज्यादा पकड़ रहा है उतने परसेंटेज में नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि परसेंटेज कम है थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। और आप इसे भी कम ज्यादा करके आप जो है यानी डार्क और लाइट दोनों को ये पकड़ता है, तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं परसेंटेज को कम ज्यादा करके और कम और ज्यादा कलर को पकड़ सकते हैं। उसके बाद है मान लीजिए कोई भी आप एक कलर को जो है पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए इसको अब हम कैंसिल करते हैं और एक ऑप्शन समझते हैं कंट्रोल यू से, ये आएगा कंट्रोल प्लस यू, तो यही बॉक्स जो है खुल करके आया आपके सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ड्रॉप का यूज करेंगे, आप देख सकते हैं अभी ये आई ड्रॉप टूल जो है हाईलाइट नहीं हुआ है, तो जब तक जब आप ओपन करेंगे और जब तक इसमें से कोई ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, अभी मास्टर कलर पर है तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इनमें से कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्लू कलर को चेंज करना है या फिर ग्रीन कलर को चेंज करना है तो वही कलर सेलेक्ट करना होगा, ये जरूरी नहीं है। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने रेड ही सेलेक्ट कर लिया तो अब ये हाईलाइट हो गया, तो जैसे ये हाईलाइट होता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमने इस पर दोबारा क्लिक कर दिया तो ये हट गया इसका सिलेक्शन, आप इसको सेलेक्ट रहने देंगे और सेलेक्ट रखते हुए जैसे जिस भी कलर को आपको चेंज करना है, मान लीजिए ब्लू कलर चेंज करना है तो हमने ब्लू पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का ये परसेंटेज ले लिया, रेड पे किया तो रेड के अकॉर्डिंग ये यहां से यहां तक का ये परसेंटेज ले लिया। अगर ज्यादा पकड़ता है तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इसी कलर को करे, ये जो है कलर भी पकड़ा हुआ है ये ना पकड़े, तो आप यहां से इसको माइनस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये इस वाले कलर पे नहीं जाएगा, सिर्फ इस टाइप के कलर को ही ये पकड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप इसको बढ़ाएंगे तो रेड के अंदर ये इस पर भी होगा और ये भी रेड से मिलता जुलता है तो ये दोनों कलर पे काम करेगा। तो जस्ट हमने ये कलर लिया और यहां से आप कलर को चेंज करेंगे यानी ह्यू को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी किसी कलर को टच नहीं कर रहा है, ये पूरे इमेज के अंदर जहां जहां पर रेड है उसे ये चेंज कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ग्रीन को ये ब्लू को क्लिक करते हैं तो यहां से ये परसेंटेज को पकड़ेगा और यहां से ये ब्लू कलर को हम बिल्कुल चेंज कर पा रहे हैं, बिल्कुल रेड में या चाहे जिस भी कलर में चेंज करना चाह रहे हैं उस कलर में चेंज कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। उसके बाद जो है हम ग्रीन में चाहेंगे, यानी आप जिस भी कलर को चेंज करना चाहते हैं उस कलर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ये चेंज कर पाएंगे। ग्रीन को किया, अब आप ये ग्रीन पे काम कर पाएंगे, बिल्कुल ग्रीन चेंज हो रहा है, बिल्कुल ग्रीन करना है, बिल्कुल आप ग्रीन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही बेहतर वर्क करता है। लेकिन अब अगर आप किसी इमेज के किसी कपड़े को चेंज कर रहे हैं, किसी उसके क्लॉथेड को, किसी उसके ड्रेस को चेंज कर रहे हैं, तो किसी इमेज के साथ में एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या, वो ये कि मान लीजिए अगर वो इस इमेज में कोई ड्रेस रेड है तो रेड एक्चुअली जो स्किन कलर होता है उसके अंदर भी रेड थोड़ा सा परसेंटेज मिलता है उसके अंदर, या फिर लिप्स का कलर है तो वो भी रेड हो सकता है। तो अगर रेड कलर की ड्रेस है और उसको इस प्रक्रिया से यानी कि आई ड्रॉप टूल से रेड को सेलेक्ट करेंगे और जब आप उसको कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ड्रेस के साथ साथ आपका स्किन कलर भी प्रभावित होगा और लिप्स का कलर भी प्रभावित हो सकता है अगर लिपस्टिक उसी कलर से है तो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में उस
क्लथ को यानी उस ड्रेस को या जिस भी हिस्से को आपको चेंज करना है उस हिस्से को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। चाहे जिस भी टूल से सेलेक्ट करें आप, या तो यहां से आप ये पॉलीगॉन टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर क्लथेस है मूवमेंट वगैरह ज्यादा है तो आप पेन टूल से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट होगा। तो मान लीजिए यहां पर हमें ये कलर चेंज करना है लेकिन रेड से मिलता जुलता लिप्स वगैरह भी है, लेकिन हम सिर्फ ये यहां पर इस क्लथ को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस ड्रेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से। मान लीजिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे, हम जल्दी से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और यहां से हमने अब जो है सिर्फ ड्रेस को ही हमने सेलेक्ट कर लिया यहां से इस तरीके से। तो अब जब हम ह्यू सेचुरेशन कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो यहां से जब हम ह्यू को कम ज्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, जितना आपने सेलेक्ट किया उसी का चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ह्यू सेचुरेशन को यूज करके किसी भी ड्रेस के कलर को बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं, लिप्स के कलर को चेंज कर सकते हैं, आईज को थोड़ा सा डार्क वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल आसानी से चेंज कर पाएंगे और बहुत ही इजी होगा आपको ये सारा का सारा काम करना। उसके बाद कर लेने के बाद काफी व्यूअर्स ने पूछा है कि हम इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसी वीडियो में हम सेव करना भी बताते हैं आपको। जैसे आप फाइल में जाएंगे या फिर कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, यहां से सेव एज मिलेगा, कंट्रोल यस करेंगे तो उसी के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस यस करते हैं तो वो सेव एज में जाएगा, और कोई भी चेंजिंग आपने किया और उसको जस्ट सेव करना है तो कंट्रोल प्लस यस करेंगे और वो उसी पर सेव हो जाएगी। तो यहां से हमको अलग सेव करना है तो हम सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो खुल करके आएगी, और यहां पर बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इमेज है हम इसमें बाद में भी काम कर पाए तो उसके लिए आपको पहले इसी फॉर्मेट में यानी फोटोशॉप के फॉर्मेट में ही आपको सेव करना होगा। तो उसके लिए आप यहां से फोटोशॉप फॉर्मेट में आएंगे और यहां पर जो भी नाम देना है वो नाम दे करके आप जो है फोटोशॉप PSD या PDD के फॉर्मेट में ही आपको सेव करना होगा, जिससे क्या होगा कि जब आप उसको खोलेंगे तो आप जितना करेक्शन किए हुए रहेंगे उसके बाद वो उसी पॉइंट पे आकर के खुलेगा आपके सामने। उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इमेज फाइनल है, बिल्कुल फाइनल सेव करना है, आपको कहीं भेजना है, तो आप उसको PNG या फिर JPG में सेव करेंगे। तो अगर आप प्रिंट के लिए भेजना चाहते हैं तो आप उसको JPG में ही सेव करें। JPG में सेव करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे स्टाइल में, तो आपको यहां पर मिल जाएगा JPG या फिर JPEG, JPE इस वाले फॉर्मेट पे, आपको इस पे नहीं सेव करना है। तो आपको JPG में कन्वर्ट करने के बाद और आपको जहां पर भी सेव करना है, मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हमने जैसे डेस्कटॉप पे लिया और यहां पे सेव पर क्लिक कर दिया, यहां से कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप यहां पर ओके कर दें, हाई क्वालिटी में ही होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या होगा, अब हम डेस्कटॉप पे चलेंगे तो डेस्कटॉप पे वो इमेज मिल जाएगी आपको इस तरीके से, JPG में सेव हो गई है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज में जो भी प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।